ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हम किस तरह सेंड कर सकते हैं आपके ईमेल एड्रेस से, या तो फेसबुक से, ट्विटर से, आपके फ़ोन नंबर से। साइन इन करने के बाद थम्स एंड कंडीशन बताएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कितने सेकंड के लिए आपके अलार्म को टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल हम 4 सेकंड रखेंगे। और यहाँ से आप टोन चेंज कर सकते हैं, रिंग टोन। कौन सी भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं पैटर्न लगाऊंगा। बस दोस्तों अभी ऑप्शन बताऊंगा आपको। चार्जर डिटेक्शन मोड, अगर आपका चार्जर लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका अलार्म बजेगा, जब तक कि आपका पैटर्न आप नहीं मारेंगे। मोशन डिटेक्शन मोड, अगर आप कहीं फ़ोन रखने पर अगर हिल गया तो ये काम करेगा, अलार्म बजेगी। और यहाँ आप आपका फ़ोन नंबर या आपका नाम दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ नाम दे चुका हूँ मैं। आप फ़ोन नंबर भी रख के सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये ऐप बहुत अच्छी खासी है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, जिससे आप जो आपके फ़ोन को चोरी होने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह के टेक की वीडियोस लेके